हम उस पर शक कर रहे हैं। तुमने किसी काबिल छोड़ा नहीं है मुझे सना। शक नहीं करो तो क्या करूं मैं? आप जो कहेंगे ना मैं वही करूंगी। आप जिससे शादी कहेंगे मैं उसी से शादी करूंगी। मैं उस शहरयार की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगी। क्या तेरी फैमिली मान लेगी? हाँ मेरी फैमिली मान जाएगी क्योंकि वो सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं जहाँ कहूँगी मेरी शादी करवा देंगे। अरे लड़की तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वो मैं भी अचानक से डर गई खाला। अरे बेटा तुम्हें अगर बुरा लगा है तो मैं चली जाती हूँ। मैं तो वैसे ही तुम्हारे पास बैठने आई थी थोड़ी देर के। नहीं खाला बैठे हैं। सच पूछो तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई थी कि तुमने फायजा को इस घर की बहू बनाने का फैसला किया। कैसी बातें करी हैं खाला। फायजा में वो हर खूबी है जो इस घर की बहू में होनी चाहिए। अरे बेटा मेरी बातों को बुरा मत माना करो। जिंदगी ने मुझे इतने दुख दिए हैं ना कि जुबान में कड़वाहट आ गई है। आप मेरी बड़ी हैं खाला। आपका कुछ भी कहा मुझे कैसे बुरा लग सकता है। कितनी अच्छी हो तुम। बेटा एक बात तो बताओ तुम क्या पीर साहब से मिली थी? मेरा मतलब है कि क्या पीर साहब ने ही कहा था फायजा की और शहरयार की शादी के लिए? देखो मुझे गलत मत समझना, पहले तुमने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था ना? खाला मुझे कभी भी फायजा और शहरयार के रिश्ते पर कोई एतराज नहीं था। हालात ही कुछ ऐसे थे। आप तो जानती हैं शहरयार का रिश्ता जहां भी हुआ लड़की के साथ कोई ना कोई हादसा पेश आया। मेरे फायजा और शहरयार के रिश्ते पर इनकार की सबसे बड़ी वजह यही थी। खाला मैं फायजा की जान को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। हाय मेरी बच्ची, अरे तुम कितना अच्छा सोचती रही हमारे लिए और मैं तुम्हें गलत समझती रही। अच्छा ये बताओ अब तो फायजा की जिंदगी को कोई खतरा नहीं? मैंने इसका भी तोड़ निकाल लिया। क्या पीर साहब ने कोई तावीज़ दिया है? देखो बेटा देखो मुझे बता दो मैं फायजा की माँ हूँ तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। अगर मैं आपको वहां लेकर चलूं जहां ये राज दफन है तो क्या आप मेरे साथ चलेंगी? हाँ मैं फायजा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो फिर चलें। हाँ चल। Ha ha ha!
मम्मा बस भी कर दे अब रोना। ओ कैसे बस कर दूं मैं, सारी जिंदगी की मेहनत का मुझे ये सिला मिला है, एक फैसला किया है वो भी इस कार में कोई मरने को तैयार ही नहीं है। ओ मैं मन तो गया हूँ और किस तरह मनूं। और तेरा अब्बा है, तेरे अब्बा को तो जिंदों से ज्यादा मुर्दों से प्यार है। समीना समीना तुम बात को समझती क्यों नहीं हो, आरजू मेरे मरहूम भाई की निशानी है, मैं उसे दर बदर नहीं कर सकता, वो जिम्मेदारी है मेरी। और मैं किसकी जिम्मेदारी हूँ? ओ बाजी तुसी भी छड़ दिया करो, देखो अम्मा ने रो रो के की हाल कर लेता अपना, और मैं इस तरह अम्मा को रोते देख कर खुश रह सकता हूँ? ओ जिंदा रहे मेरा लाल, देखा देखा मेरा पुत्र मेरे से कितना प्यार करता है, और एक आप हो, मैं मर भी जाऊं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा बस बस, मैं आदिल की शादी आरजू के साथ नहीं करता, लेकिन जितनी जल्दी हो सके तुम आरजू के लिए कोई रिश्ता तलाश करो। और हाँ, ये बच्चों वाला और दूसरी दूसरी शादियों वाला और रंडवा इस किस्म का रिश्ता ना लेकर आना, समझी तुम? ओ अम्मा इतनी जल्दी कहाँ से ढूंढेगी रिश्ता तू? ओ तू फिकर ना कर, ओ अच्छा है हमारी जान छुटी, मेरा नाम भी समीना है, ऐसी जगह उसका रिश्ता करूंगी कि पल पल जिएगी और पल पल मरेगी। देख लेंगे अम्मा। ओ तू फिकर कर। ले आई हो तुम? कड़िया चाहिए थी मुझे, अब मैं आजाद हूं, आजाद। शरियार मैं अपने बाबा से वादा कर चुकी हूँ कि मैं आज के बाद आपसे नहीं मिलूंगी, आप भी समझ नहीं पा और चले जाएं यहाँ से। और तुझे देखने तेरे ससुराल वाले आ रहे, वो शीदा नाई है ना, वो और उसके कार वाले। ये तो कब्रिस्तान है, कहाँ ले आई हो तुम? खाला मैं आपको बहुत बड़ा राज बताने जा रही हूँ, आप किसी से कहेंगी तो नहीं? नहीं किसी को नहीं बताऊंगी,
क्या राज दफन है? वो गुड़िया जो शहरयार की शादी नहीं होने दे रही थी। गुड़िया, गुड़िया यहाँ दफन कहाँ? जना कहाँ? मुझे मुझे लेके चलो, वहाँ लेके चलो। कहाँ दफन है? हाँ, आप किसी से कहेंगे तो? अरे नहीं, मैं तुमसे वादा करती हूँ किसी को नहीं बताऊंगी। गुड़िया कहाँ? हला वो यहीं दफन है। निकालो, निकालो उसे, दिखाओ मुझे। मैं? हाँ निकालो, डरो मत, निकालो। तुमने ही दफनाई थी ना? हाँ निकालो। यही गुड़िया चाहिए थी मुझे। अब मैं आजाद हूँ, आजाद। शहरयार की शादी करना चाहती थी ना? शहरयार सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। अब मैं तुम्हें और तुम्हारे सारे खानदान को मार दूंगी, मार दूंगी। सना, सना कहाँ खो गई? मैंने तुमसे कुछ पूछा है? खाला मैं भूल गई थी। क्या पूछा आपने खाला? बेटा मैंने तुमसे पूछा था कि क्या पीर साहब ने कोई तावीज दे दिया है जो तुम फायजा और शहरयार की शादी के लिए फौरन तैयार हो गई? बस आप ऐसे ही समझ लें और आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। आप शादी की तैयारियां करें, शहरयार और फायजा को कुछ नहीं होगा। लेकिन खाला मैंने कहा ना बेफिक्र हो जाएं और आप शहरयार फायजा की शादी की तैयारियां करें पुरसकून होकर। आप इस घर में बस खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। कुछ तो है जो सना छुपा रही है, लेकिन सना के कहने के मुताबिक मेरी फायजा को कोई जान का खतरा तो नहीं?
नहीं नहीं, सना ने कहा तो है, उसके पीर बाबा ने अमल किया है, अब कोई मसला नहीं होगा। मैं भी वैसे ही वहम कर रही हूँ, लेकिन आखिर ऐसी क्या बात थी जो सना इतनी परेशान लग रही थी? कुछ तो है जो हम सबसे छुपा रही है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आरजू, एक्चुअली मुझसे रहा नहीं गया, इतनी देर से तुम्हें देखा नहीं था, बस तुम्हें देखने आ गया। शरियार, मैं अपने बाबा से वादा कर चुकी हूँ, मैं आज के बाद आपसे नहीं मिलूंगी। आप भी समझ नहीं पा और चले जाएं यहाँ से, मुझे मजीद इम्तिहान में मत डालें। अगर हमारी शादी हो जाएगी तो क्या प्रॉब्लम है? मेरे पापा ने मेरे लिए जो फैसला किया होगा अच्छा ही किया होगा। मैं जानता हूँ कि मौलवी साहब तुम्हारे सगे बाबा नहीं, क्योंकि माँ बाप अपनी औलाद के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचते। मैंने अपने माँ बाप को कभी नहीं देखा, मेरे लिए मेरा सब कुछ मेरे बाबा ही है, और उनको तकलीफ देकर मैं कभी खुश नहीं रह सकूंगी। और तुम्हारी खुशी? खुशियां क्या होती हैं मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी जात से मेरे पापा को दुख पहुंचे कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। और मेरा दुख दिखाई नहीं देता तुम्हें? मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा तुमने कि मैं कैसे जीऊंगा तुम्हारे बिना? तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं? बोलो। सच्ची इंतजार कर रही, तो जाने देर उठ। बेवकूफ आदमी, यह की कर रहे हैं? वो मेरे को पहले पूछते लेंदा, सारी दिहाड़ी जाया कर दी थी, पर उधर खोदनी कबर। जी सर दा कुछ लगता, बेड़ा गर कर करता सारा टाइम, चल उधर आ। Thank you.
चाची। और जा जाके तैयार हो जा और थोड़े जे चंगे कपड़े भी पहन ले। क्यों क्या हुआ? और तुझे देखने तेरे ससुराल वाले आ रहे, वो शीदा नाई है ना, वो और उसके कार वाले। चाची आपको मुझ पे तरस नहीं आता? हाँ है, क्या हुआ? शीदा इतना अच्छा है, खाता पीता है, नाले उसकी इतनी ज़मीना भी ने, और तुझे रानी बना के रखेगा। रानी? रानी, अगर आपकी सगी बेटी होती तो क्या आप उसकी शादी उस रणवीर से करवाती? और तेरी बहुत जुबान नहीं चल रही है, है? मुझे पता है तू किन हवाओं में उड़ रही है, मुझे वो पर काटने भी आते हैं, समझी? ये मेरा नहीं तेरे चाचे का भी फैसला है। एक तो नेकी करो तो गुनाह लाजिम हो जाते हैं। और जा जाके तैयार हो जा, यही खड़ी रहेगी, वो लोग आते ही होंगे और मेरी नक न कटवा दे। और कम से कम मेरा नहीं तो अपने बुढ़े चाचे का ही ख्याल कर ले। और जा जाके दफा भी हो जा। तोबा तोबा, इस लड़की की नखरे तो देखो जरा। ना जाना मेरे दिल जानिया, मेरे हानिया, दीवाना तेरा दिल हो गया। मेरे जानिया गया पक्का। इसी हफ्ते तू बारात लेके आ जा। ये हमारा खानदानी हार है जो हमारी बहू पहने की, जो इस खानदान को वारिस देगी। और सुना भाई जी, दे आजकल कामकाज कैसा चल रहा है तुम्हारा? जी अल्लाह का शुक्र है, अब तो नहर से पट्टा टाकर मैंने गांव में दुकान डाल ली है। हर किस्म का हेयर कट कर लेता हूँ, दूर दूर से लोग आते हैं बाल कटवाने। माशाल्लाह। मैं ना कहती थी शीदा बहुत अच्छा है, बस बेचारे की बीवी जल्दी चली गई, इसमें भला इसका क्या कसूर? इसका घर बस जाएगा, और भला मर्द कभी बूढ़ा हुआ है? आरजू, आरजू, आजा मेरे बेटा, मेरे पास इधर आके बैठ जा। आ मेरे पास बैठ जा। शर्मा रही है।
फिर तेरा क्या ख्याल है शीदे? जी मेरी तरफ से तो रिश्ता पक्का है, आप लोगों की इजाजत चाहिए। हमें क्या चाहिए, जहेज तो तू ले नहीं रहा, भला इस दौर में ऐसा दामाद कहीं मिलेगा? क्यों मौलवी साहब? लो फिर रिश्ता हो गया पक्का, इसी हफ्ते तू बारात लेके आ जा। इसी खुशी में मिठाई खा। मौलवी साहब आप भी। कौन होता हूँ तुम्हें माफ करने वाला, लेकिन आज मुझे इतना एहसास जरूर हो गया कि मैं तुम्हारा बाप तो नहीं हूं ना। बाबा ऐसी बातें मत करें, आपके अलावा मेरा एक कौन, आप मेरे सब कुछ हैं। अगर तुम्हारी नजर में मेरी जरा सी भी अहमियत होती तो आज यूं सारे गांव के सामने मुझे शर्मिंदगी तो ना उठानी पड़ती। मां मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। देखो आरजू, भरोसा हर रिश्ते की सबसे महंगी शर्त होता है, और आज तूने मेरा मान, मेरा भरोसा सब तोड़ दिया है। और अगर तूने यही कुछ करना था तो मुझे पहले बता देती, मैं इससे सारे गांव के सामने जलील तो ना होता। मैं जानता हूं कि मौलवी साहब तुम्हें सगे बाबा ने, क्योंकि माँ बाप अपने औलाद के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचते, और मेरा दुख दिखाई नहीं देता था। मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा तुमने कि मैं कैसे जीऊंगा तुम्हारे बिना, क्या तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं? हाँ है, तू यहाँ बैठी रो रही है। इतना अच्छा रिश्ता किस्मत वालों को मिलता है, ना कोई सास ना कोई नंद, बस शीदे की दो बच्चियां ही तो हैं, और बच्चे तो फरिश्ता होते हैं।
मैं ठीक कहा ना? ओ अम्मा, तूने कभी कोई गलत बात की है? ओ अच्छा है ना, पले पलाए बच्चे मिल जाएंगे। अम्मा, तूने आरजू का मुंह मीठा कराया? ओ नहीं, मैं ते भूल ही गई। ओ चलो, ये नेक काम मैं कर देता हूँ। मेरी भी एक लौती कजन है, इसकी खुशियां मैं नहीं मनाऊंगा तो और कौन मनाएगा? चले जाओ यहाँ से। हाँ है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। और जाने का वक्त मेरा नहीं, अब तेरा है। मैं तो यहाँ अम्मा के साथ बैठ के ऐशी करूंगा। अरे नेकी का तो कोई जमाना ही नहीं रहा। अदील, तुझे पता है इसका रिश्ता मैंने कितनी मुश्किल से किया है? पूरा गांव जानता है इसकी माँ के करतूत। कौन करता है इससे शादी? एहसान फरामोश पर से नखरे दिखाती है। मेरे नाल पंगा लेता सी ना तू, उन बुला अपने आशिक नु, वो ते नठ गया हैं। रहम आता है तुझ पे हैं? बेचारी आरजू की आरजू ही ना पूरी हो सकी। ये देखें खाला। अरे वाह, दिखाओ। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए हमारी बहू को। आमीन आमीन। आप ये क्या है? ये मेरी तरफ से फायजा के लिए तोहफा है। खाला दिखाए, क्या है इसमें? ये हमारा खानदानी हार है, जो हमारी बहू पहनेगी, जो इस खानदान को वारिस देगी। फिर इस पर तो सना भाभी का हक है ना? आखिर वो इस घर की बड़ी बहू है ना? आपा, मुझे तो इतनी खुशी हो रही है ना कि बस मैं क्या बताऊं, बस जल्दी से शादी हो जाए। ये दिखाए ना मुझे, दिखाए दिखाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बस जल्दी से शादी हो जाए, मैं अपनी बेटी को पिना। बहुत जल्द खाला, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सना, सारे इंतजाम हो गए ना? कैटरिंग वालों और फूल वालों को कह दिया ना सारा? जी मामा, सब इंतजाम हो गए, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। और वो मेहमानों की लिस्ट बना ली ना? वो जिम्मेदारी तो मैंने फायजा को दिया ना, वो अपने दोस्तों और शहरयार के सब जाने वालों की लिस्ट बना देगी। तो बस फिर जल्द से जल्द सबको इनविटेशन भेज दो, ठीक है? जी बेहतर। बेटा, यहां क्यों बैठी हो अकेली? मैं जानता हूं बेटा, तुम मुझसे खफा हो, लेकिन मैं क्या करूं, तेरा बाबा मजबूर है बेटा। मैं चाहते हुए भी तेरा रिश्ता शहरयार के साथ नहीं कर सकता। मैंने आपसे कोई शिकवा नहीं किया बाबा, आप मेरे बड़े हैं, आपने जो सोचा होगा मेरे लिए अच्छा ही सोचा होगा। क्या चच्चा भतीजी में राजो न्याज हो रहे? क्यों, तुम्हें इससे क्या?
हम बात भी नहीं कर सकते? लो भाई, अब मैं इतनी भी पराई नहीं कि आरजू पे मेरा कोई हक नहीं है। आखिर मैंने इसे पाला है, इसकी माँ तो। बस बस समीना, आज के बाद ये बात इस घर में कभी दोहराई नहीं जाएगी। ठीक है, मुझे क्या जरूरत है पिछले राज खोलने की। वो तो शीदे ने जोड़े और जेवर भेजे थे कि आरजू पहन के देख ले। भाई मैंने तो साफ साफ कह दिया, अपनी पहली बीवी की कोई पुरानी चीज ना भेजी। आखिर हमारी आरजू का भी तो दिल है ना। इसे क्या हुआ भला? जैसे तुम्हें तो पता ही नहीं, कुछ खुदा का खौफ करो। खुदा की लाठी बे आवाज होती है समीना बेगम। मैंने अब क्या कह दिया? आपको तो हर वक्त मेरे में ही बुराई नजर आती है। तुमने जो करना था वो कर दिया। तुमने क्या कर दिया? तू यहाँ है? मैं तुझे पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ। क्यों? यार मुझे अभी रहीम चाचा ने बताया कि आरजू की शादी हो रही है। तुझे पता है किससे हो रही है? हाँ, उसके कजन अदील से। अरे नहीं यार, उसकी शादी तो पता नहीं किसी शादीशुदा दो बच्चों के बाप से हो रही है। क्या सुनना चाहती हैं आप मेरी जिंदगी बर्बाद करके? अब क्या चाहती हैं, ढोल बजाऊं या खुशी के गीत गाऊं? तुम ये मायूं कर रही हो, और सुबह तक तो कोई प्लान नहीं था। शमा खाला और फायजा बहुत जिद कर रही थी, तो मैंने एक छोटा सा फंक्शन रख लिया। ये गुड़िया मुझे दे दो, इसको मैं बाहर फेंक के आता हूं। दे दो मुझे, मैं बाहर फेंक के आता हूं। मेरे पास लाएगी, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। चलो बताओ क्या बात, फिर मैं भी तुम्हें एक बात बताऊंगी। अभी एक्चुअली आपके देवर को एक लड़की से मोहब्बत हो गई। ओए तेरी मैं पेस्ट।